हेलो नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट उदय शुक्ला, आपके फेवरेट चैनल उदय कॉमर्स विस्टा पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और स्वागत के साथ साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने मुझे इतने ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंस के साथ मुझे लाइटली नहीं लिया। तो द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि कल मैंने टीम वर्क की बात की थी और भी बहुत चीजें आपको बोली थी, और दूसरी बात ये कहूंगा कि हम टीम वर्क के साथ साथ एक फैमिली भी है, एक परिवार का हिस्सा। मैं जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं या जितने भी मेरे दोस्त आ रहे हैं जो मुझे ऑनलाइन ट्यूशन पे देख रहे हैं, वो मेरे छोटे भाई बहन तो है ही हैं, हम सब एक फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं मेरे। ऐसा में मुझे मैंने अभी अपने सब्सक्राइबर्स की लिस्ट नहीं देखी, इनफैक्ट मैं देखना भी नहीं चाहता। मैं बस आप लोगों को अपना बेस्ट देते हुए चले जाना चाहता हूं ताकि आपको मेरे चैनल से ज्यादा सीखने को मिले। और दूसरी चीज सिर्फ कहते ना, किताबी ज्ञान उतना मैटर नहीं करता जितना आपका कौन सा ज्ञान, सोशल ज्ञान मैटर करता है। तो कॉमर्स एक ऐसी चीज है जो सिर्फ किताबी ज्ञान पर निर्भर नहीं है, वो आपको सोशल ज्ञान यानी सामाजिक ज्ञान भी देता है। और सामाजिक ज्ञान ये देता है कि आप देखते होंगे कि आए दिन कोई ना कोई पेपर में कोई ना कोई खराब न्यूज निकलती है कि कभी कहीं घोटाला हुआ, कहीं कोई चोरी हुई और बैंक मैनेजर ने चोरी की, फलाना ढिमाका, बहुत कुछ होता है। तो इन सब चीजों से लड़ने की ताकत भी कॉमर्स की शिक्षा देती है, यानी आपको आपके अधिकार बताती है कि एग्जैक्टली आपको किस तरीके से क्या कैसे करना है। ठीक है, तो इसी पे आगे हम बात करेंगे। और अभी मेन चीज ये कहूंगा कि आपके सामने मैंने कल कंपाउंड जनरल एंट्री के बारे में बात की थी, आज उसी का एक और एग्जांपल आपके सामने सॉल्व करने जा रहा हूं। और फिर इस वीडियो के बाद मेरा अगला वीडियो आएगा आपके लिए, वो होगा डिस्काउंट का कैसे जो है मतलब कहते ना सेटलमेंट एडजस्टमेंट किया जाता है, चाहे वो परचेज पे डिस्काउंट हो या सेल्स पे डिस्काउंट हो। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में अभी सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड एंट्री का सेकंड पार्ट शूट करने जा रहा हूँ, ताकि आप में से जिनको भी मेरा पहला वीडियो किसी भी वजह से शायद कहीं कोई कमी रह गई होगी मुझसे बताने में, अगर नहीं समझ में आया था तो इस बार समझ में आ जाएगा और बहुत अच्छे से आएगा। मैंने कल भी अपना बेस्ट दिया था कल की वीडियो में, भी आज भी अपने वीडियो में बेस्ट ही देने वाला हूँ, लेकिन कोशिश ये करूंगा कि आज और लेमन सेंस ले जाऊं और सिंपल वे में लेके जाऊं, ताकि आप में से जितने अभी तक मेरे टीम वर्क बनी है या टीम बनी है 113 की 112 की जो भी है उसका ग्राफ जो है वह उसको और ज्यादा डेवलप कर पाऊं, चैनल को और डेवलप करूं, आपके लिए और अच्छा कर सकूं। तो उसी के साथ अभी शुरू करते हैं कंपाउंड एंट्री का पार्ट टू, उसको ध्यान से देखिए, समझिए, बहुत ईजी चीज है दोस्तों। मैं ये कहता हूं कि कॉमर्स ईजी कोई स्ट्रीम नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि कॉमर्स इंफीरियर है, कॉमर्स इंफीरियर नहीं है, कॉमर्स किसी से कम नहीं है, बस ये है कि कॉमर्स अदर फील्ड से कंपैरिजन में थोड़ा इजी पड़ जाता है। ठीक है, थोड़ा सिर्फ इसलिए मैंने कहा थोड़ा इजी पड़ता है, पूरा इजी नहीं है। ऐसा नहीं कि कॉमर्स एकदम हलवा है, कहीं भी कुछ भी कर ले जाओगे, ऐसा नहीं है। कॉमर्स अपने में इजी है, लेकिन कहते ना अब हर फील्ड अपने में इजी और हार्ड होती है, बस डिफरेंस ये होता है कि उसको पढ़ने और समझने वाला किस लेवल से और किस नजरिए से उसको देखता है और समझता है। ठीक है, तो आइए इसमें आगे देखते हैं और समझते हैं और उसको फिर कंपाउंड एंट्री सेकंड पार्ट शूट करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो आपसे मेरी एक्सपेक्टेशन है कि आप अपना बेस्ट देंगे मेरे यूट्यूब वीडियोज पे, उसको समझेंगे, उसको अप्रिशिएट करेंगे और थैंक्स गिविंग करेंगे लाइक सब्सक्राइब, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट्स के फॉर्म। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दी कंपाउंड जनरल एंट्री पार्ट टू। वेलकम बैक फ्रेंड्स, अब आपके सामने कंपाउंड जनरल एंट्री का मैंने एक सेकंड एग्जांपल लिया हुआ है, इसमें ज्यादा क्या कहते हैं ट्रांजिशंस नहीं थे, लेकिन हाँ ये आपका बेस बनाने के बहुत अच्छे ट्रांजिशंस मैंने निकाले हैं, बहुत ही कहते ना सिंपल ट्रांजिशंस यार, इतने सिंपल है ना कि बस मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और आप खुद इसका आंसर वही तुरंत जो भी मतलब जिस टाइम भी आपको ये वीडियो मिलेगा आप वहीं कहोगे अरे यार सर ये इसका ये नहीं ये है, मतलब इसका ये एंट्री बनेगी। आप इसकी तरफ देखोगे भी नहीं, मतलब इस एंट्री को वीडियो में देखोगे भी नहीं, देखने से पहले ही आपके जो है पास आंसर होगा। ये मैं बहुत श्योर हूँ, मेरे जितने भी टीम है बहुत स्मार्ट है, मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, और कितनी स्मार्ट है इसका कहते ना प्रूफ देने की जरूरत ना आपको है ना मुझे। ठीक है, तो सबसे पहले आपके लिए ट्रांजेक्शन शुरू करता हूँ पढ़ना और फिर उस पर एंट्रीज कैसे पास हुई है उसको बताता हूँ। ठीक, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले यहाँ 2004 में है, कोई अब्दुल है, उन्होंने कहा अब्दुल परचेज गुड्स फॉर कैश ₹2000 ऑन January 1st एंड ऑन द सेम डेट, यानी उसी डेट पे आपने परचेज किए 3000 रुपए गुड्स सोहन से, यानी
कैश भी 2000 रुपए परचेज किया, सोहन से भी 3000 रुपए परचेज किया। लेकिन सोहन से क्या कैश में परचेज किया? नहीं, सोहन से कैश में परचेज नहीं हुआ है। यानी अगर कैश नहीं हुआ तो किस में हुआ होगा? क्रेडिट में हुआ होगा, जाहिर सी बात है। जब क्रेडिट में हुआ है तो उसका एंट्री क्या होगी? मैंने बेसिक बताई थी, आइए एक बार एंट्री देख लेते हैं, उसके बाद फिर इसकी बेसिक से बात करेंगे। तो हमारे पास क्या आया? दोनों से ही गुड्स आया है, तो गुड्स अकाउंट DR टू कैश, क्योंकि कैश में हमने खरीदा था, और टू सोहन, सोहन से भी लिया था। कैश कितना था? 2000 रुपए, ठीक है, और सोहन से कितना लिया था? 3000। तो 2000 3000 कितना हुआ? 5000। 5000 में डेबिट कर दिया। क्यों डेबिट किया? क्योंकि गुड्स क्या है? एक रियल अकाउंट है ना। तो रियल अकाउंट का रूल मैंने क्या बताया था, दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, और डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो अगर चीजें अंदर आ रही है, रियल अकाउंट किसके लिए रिप्रेजेंट करता है? एसेट्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो एसेट्स के लिए रियल अकाउंट यूज करते हुए गुड्स आपका क्या है? एक एसेट ही था भाई। मान लो गुड्स में हमने स्टॉक मंगाया था अपने लिए, उसको बेचने के लिए, तो वो आपका गुड्स बन गया। तो गुड्स लिखिए, परचेजेस लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। परचेजेस हम जनरली तब यूज करते हैं जब हमें पता नहीं होता कि हमारा टाइप ऑफ गुड्स क्या है, यानी एग्जैक्टली हमने क्या खरीदा है वो हमें पता नहीं होता, इसलिए हम परचेजेस लगा देते हैं। लेकिन अगर ट्रांजेक्शन्स में ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि हमने गुड्स खरीदे हैं, और भले इसके टाइप न डिफाइंड हो कि कैसा टाइप ऑफ गुड है, लेकिन गुड्स लिखा हुआ है वर्ड में, तो आप गुड्स अकाउंट DR ही कीजिएगा, ठीक है, परचेजेस मत लिख देना, ठीक। तो गुड्स अकाउंट DR 5000 हो गया, टोटल दिखा दिया, कैश हमने लिया 2000 और सोहन को लिया हमने 3000, ठीक है। आपका पहला ट्रांजेक्शन यही खत्म। अब इसका नरेशन करते हैं। नरेशन में क्या, बीइंग परचेज गुड्स फॉर कैश ₹2000 एंड ऑन क्रेडिट फ्रॉम सोहन ₹3000, ठीक। और हाँ, मैंने एक चीज आप लोग और बताई थी कि हर ट्रांजेक्शन के बाद ये लाइन जरूर ड्रॉ करनी है, ठीक है। इस लाइन का मतलब है कि आपका पहला ट्रांजेक्शन खत्म, अब दूसरा ट्रांजेक्शन शुरू किया जाएगा, ठीक है। सॉरी, अब देखते हैं सेकेंड ट्रांजेक्शन, देख लेते हैं। पहला ट्रांजेक्शन था January 1st का, अब दूसरा ट्रांजेक्शन है January 4th का। तो आइए पहले January 4th का ट्रांजेक्शन का रफ देख लेते हैं, और फिर उसका हम जर्नी एंट्री भी पास करेंगे, ठीक है। तो कीप वॉचिंग। अब देखिए January 4th की बात करूं मैं, तो January 4th में आपका ट्रांजेक्शन था कि जोसेफ परचेज गुड्स एंड फर्नीचर फ्रॉम सोहन, जिसमें पहली बार फर्नीचर परचेज किया गया था। एक्चुअली गुड्स जो है वो तीन बार थ्राइस परचेज किया है। थ्राइस मतलब होता है तीन बार, THRICE, द वर्ड इज थ्राइस। थ्राइस का मतलब होता है तीन बार लगातार परचेज करना, ठीक। तो पहली बार जो गुड्स परचेज किए गए थे वो था ₹1000 का, दूसरी बार गुड्स जो परचेज किया गया था वो था ₹5000 का, और तीसरी बार जो गुड्स परचेज किया गया था वो था ₹200 का, ठीक है। और फर्नीचर जो परचेज किया गया था वो था ₹500 का, ठीक। इतना क्लियर हुआ? अब सबसे पहली चीज, अब आप ही सोचोगे कि 6200 कहां से आया, है ना भाई। सभी के दिमाग में कौन देगा कि भाई परचेज किया था तो 6200 कहां से आ गया। अब देखो 6200 कैसे आया। मैंने क्या कहा था कि क्या नाम है, जोसेफ जो है उन्होंने कितनी बार गुड्स परचेज किए? तीन बार किए थे, ठीक है। पहली बार में ₹1000 का परचेज किया था, दूसरी बार में 5000 का परचेज किया था, और तीसरी बार में 200 का परचेज किया था। तो 5000 और 1000 की तमाम 6000 प्लस 2000, ठीक है। यानी टोटल कितना हुआ? 6200 हुआ, यानी 6200। वही 6200 मैंने यहाँ लिखा है, ठीक। इसको मैं एक रफ भी बता देता हूँ आपको, यही पे कर देता हूँ, उसके बाद मिटा। पहला जो परचेजिंग थी वो थी ₹1000 की, दूसरी थी परचेजिंग 5000 की, और तीसरी थी 200 की, ठीक। तो ये आया 200 और ये 6, यानी 6200 की आपकी क्या थी? गुड्स की परचेजिंग थी, वो मैंने यहाँ दिखा दिया 6200, ठीक है। फिर फर्नीचर अकाउंट DR कर दिया। फर्नीचर अकाउंट DR में हमने ₹500 लिया था सोहन से, ₹500 का सामान खरीदा था फर्नीचर में, तो 6200 और 500 कितना हुआ? 6700 हुआ। वो 6700 मैंने यहाँ दिखा दिया। सोहन को हम क्रेडिट में इसलिए रख रहे हैं क्योंकि सोहन से हमने दोनों ही चीजें उधार पे खरीदी थी, पैसा उसको पेमेंट हमने नहीं किया, क्योंकि ट्रांजेक्शन में साफ लिखा हुआ है कि इसमें हमने कैश ट्रांजेक्शन नहीं किया, हमने सिर्फ उसे चीजें खरीदी हैं, सोहन से खरीदी है, लेकिन कैश पे नहीं खरीदी। जब कैश आपका परचेजिंग नहीं है
तो गुड्स अकाउंट यार फर्नीचर अकाउंट यार टू सोहन हो जाएगा। लेकिन अगर यही कैश होता यानी कैश पे परचेजिंग होती तो यहाँ पे हम टू कैश अकाउंट कर देते ठीक, लेकिन यहाँ पे सोहन नहीं और 6500 वहां पे यहाँ चला गया ठीक है। ये भी कंपाउंड एंट्री है जो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, चाहो तो इसे अलग भी कर सकते हो लेकिन जब सेम डेट पे है एक साथ हो रही है तो हम उसको एक साथ दिखा लेते हैं ठीक है। अब बारी है लास्ट उसके ट्रांजेक्शन की, उसको भी ध्यान से देखिए ध्यान से सुनिए, बहुत ईजी है, बहुत अच्छे से समझ हो गया, बहुत ईजी है। मैं कहता हूँ कि अकाउंट्स जब पढ़ना शुरू करता है हम लोग उसमें जर्नल एंट्री सबसे इजीएस्ट स्टेप है कॉमर्स को समझने का ठीक है। तो बात करते हैं तीसरे और आखिरी ट्रांजेक्शन की जिसका आपके पास तो जो है वो है January 10 का, जो मैंने डेट भी लिखी हुई है 1st, 4th and 10th ठीक है। अब देखिए January 10 में क्या क्या ट्रांजेक्शन है। पहला शामी उड़ीन, कोई है पर्सन शामी उड़ीन, उन्होंने जो है सामान बेचा हुआ है और उन्होंने सेल किया कैश पे 4000 रूपए के सामान के सेल किया है और सुरेंद्र को 6000 रूपए का सामान बेचा है। यानी एक तो कैश सेल की है लेकिन दूसरी उधार पे दी क्योंकि तो अब आखिरी ट्रांजेक्शन मैं उसके बाद फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो वेरी फर्स्ट थिंग इज कि शामी उड़ीन कोई है इंसान मतलब पर्सनैलिटी है, इन्होंने 4000 का सामान यानी 4000 का जो सामान था वो बेसिकली कैश पे बेचा और सुरेंद्र को 6000 रूपए का सामान उधार पे बेचा है ठीक है। एक कैश और एक क्रेडिट, तो अगर बेचा है तो जिसको हमने सेल किया है वो क्या बना आपका देनदार बना और देनदार का अकाउंट हमेशा क्या होता है डेबिट होता है यानी डेटर्स अकाउंट हमेशा डेबिट जाता है और ठीक और डेटर्स हमारे एसेट साइड में जाते हैं बैलेंस शीट के। खैर वो तो आगे की चीज है, अभी मैं बता दूंगा तो आपको बाउंस करेगा। तो मेन है तो आपने क्या किया भाई कैश आपने सामान बेचा आपको कैश मिला, आपके पास क्या आ रहा है कैश आ रहा है ठीक। कैश एक क्या है एक रियल अकाउंट यानी रियल एसेट है तो कैश डेबिट हो गया ठीक। अब देखिए मेन चीज क्या है, अब सुरेंद्र को आपने सामान भेज दिया लेकिन सुरेंद्र ने पेमेंट नहीं किया है तो जब पेमेंट नहीं किया तो वो क्या हो गए आपके देनदार बन गए यानी डेबिट हो गए, एक पर्सन हो गया। यानी एक तरीके से जब उधार सामान बेचा जाता है तो वहां पे बंदे का नाम लिख लेते क्योंकि वहां हमारा पर्सनल मामला हो जाता है ठीक। तो सुरेंद्र डेबिट हो गए क्योंकि तो पाने वाले हैं डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो गिवर कौन है आप हैं गिवर यानी बेचने वाला गिवर है और पाने वाला कौन है सुरेंद्र है ठीक। 6000 सुरेंद्र को हो गया, अब 4 और 6 10000 होता है तो टू गुड्स अकाउंट हमने वहां 10000 रूपए लिख दिया ठीक है। इतना क्लियर है ठीक, आई थिंक इट्स क्रिस्टल क्लियर नाउ। और फिर अब देखिए मेन है, अब ट्रांजेक्शन को मैं समाप्त कर रहा हूँ। कैश अकाउंट 4000 रूपए, सुरेंद्र डेबिट 6000 रूपए, दोनों ही चीजें आपकी बाहर, एक बाहर गई थी एक अंदर आई थी, मतलब कैश आपका अंदर आया, यहाँ भी कैश आएगा लेकिन बाद में आएगा क्योंकि आपने सामान उधार पे बेचा था इसीलिए आपने पर्सन का नाम डेबिट किया है। उधार पे जब सामान बेचते हो या खरीदते हो, अगर खरीदते हो तो जिससे खरीदे हो वो क्रेडिट में चला जाएगा और जिसको बेच रहे हो उधार पे वो डेबिट चला जाता है ठीक है। तो 4000 प्लस 6000 10000 ठीक है। और फिर टू गुड्स अकाउंट, आपका ये था तीसरा अकाउंट जो कि यहीं पे खत्म हुआ, इसका नरेशन बताता हूं और फिर आगे इस पर और बात करेंगे। बीइंग गुड सोल्ड फॉर कैश ₹4000 एंड टू सुरेंद्र फॉर 6000, तो जहां पे क्रेडिट मामला वहां बंदे का नाम लिख के हम अपना अमाउंट दिखा देते हैं ठीक है। तो ये था आपका कंपाउंड एंट्री का सेकेंड पार्ट, आई होप आपको ये समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि तो मैंने इससे ज्यादा लेवल सेंस नहीं कर सकता था, इनफैक्ट ज्यादा हो ही नहीं सकता इसमें। तो मैं ये नहीं कहता कि चीजें समझ में आई नहीं, आप में से जो नॉन कॉमर्स वाले हैं मैं उनको खास कर ध्यान में रख करके बना रहा हूँ ताकि उन्हें अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो वो इस वीडियो को दोबारा चला के देख लें, 3 बार चला के देख लें या फिर मुझसे अपने डाउट्स को कमेंट फॉर्म में मेरे इस वीडियो के लास्ट में पोस्ट कर ठीक है। तो मैं बोर्ड से हट रहा हूँ, आपको मैं देता हूँ 15 सेकेंड, इसको देखिए 5-5 सेकेंड में हर एक एंट्री आपको दिख जाएगी और समझ में आ जाएगा मैंने क्या किया है। तो जस्ट हैव अ लुक ऑफ दिस बोर्ड, तीनों एंट्रीज आपके सामने है, January 1st, January 4th और January 10th 2004 की है। पहली थी
आपकी क्या कहते हैं परचेज की, तो गुड्स अकाउंट डीआर टू कैश टू सो ऑन। कैश इस वजह से किया क्योंकि कैश में हमने परचेज किया था 2000 का, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ वरना आपको कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक, 2000 रुपए कैश का था और सोहन था 3000 रुपए। सोहन को हमने क्रेडिट इसलिए किया हुआ है क्योंकि हमने क्रेडिट पर सामान खरीदा था, तो टोटल 5000 हो गए। ठीक, नरेशन कर दिया, बीइंग परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 2000 एंड ऑन क्रेडिट फ्रॉम सोहन 3000। ठीक है, जनवरी 4 गुड्स अकाउंट डीआर फर्नीचर अकाउंट डीआर टू सोहन। सोहन क्यों हुआ क्रेडिट में, क्योंकि हमने दोनों ही चीजें उनसे उधार पे ली थी। 6200 कैसे आया है ये मैं बता चुका हूँ, 5000 प्लस 1000 प्लस 200 तो मिलकर बनता है 6200। और फिर फर्नीचर भी हमने 500 का लिया था, वो भी क्रेडिट पे ही था, दोनों को जोड़ करके हमने सोहन के सामने 6700 दिखा दिया। ठीक, और लास्ट है जनवरी 10 का कैश अकाउंट दिया 4000, यानी कैश पर हमने सामान खरीदा 4000 रुपए का। सुरेश हमने सामान खरीदा 6000 रुपए का जो कि क्रेडिट पे था, सॉरी ये खरीदा नहीं है, ये बेचा है, हमने 4000 रुपए सामान खरीदा बेचा है तो हमें क्या मिला, कैश मिला। तो 4000 रुपए का क्या कहते हैं कैश सेल 4000 ये मिला, और सुरेंद्र को हमने 6000 का सामान उधार पे बेचा, तो 6000 रुपए डेबिट चला गया, 4, 6, 10,000। ठीक है, यानी टू गुड्स अकाउंट हमारा हुआ 10,000। और उसके नीचे नरेशन है बीइंग गुड सोल्ड फॉर कैश रुपीज 4000 एंड टू सुरेंद्र फॉर रुपीज 6000, दैट्स इट। तो ये था सेकेंड पार्ट आपका कंपाउंड जनरल एंट्री का। अब मेरा अगला वीडियो होगा इसी के फॉर्मेट में, उसमें भी कंपाउंड एंट्रीज होंगी लेकिन वहां पे ये चीज नहीं होगी, वहां पे मैं रखूंगा आपके सामने डिस्काउंटिंग का तरीका कि जब अगर आप जैसे होता है ना कि आप नॉर्मल लाइफ में जब किसी जनरल मर्चेंट यानी किसी किराने की दुकान पे जाते हो तो वहां पे आप खरीदते हो तो आपको डिस्काउंट मिलता है ना, चाहे वो ऑन द स्पॉट खरीदने पे मिले, यानी कहते हैं जैसे कैश डिस्काउंट मिले या ट्रेड डिस्काउंट मिले, तो जो भी डिस्काउंट मिलता है आपको, आप उसकी अकाउंटिंग या उसका एडजस्टमेंट कैसे करते हो ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो अगले वीडियो के लिए आप कीजिए इंतजार, और मेरे वीडियो कीजिए लाइक अप्रिशिएट एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर द कंटेंट ऑफ योर ओन यूट्यूब चैनल उज्ज्वल कॉमर्स विस्टा टू योर डियर वंस सो दैट दे कैन बी बेनिफिटेड विद माय वीडियो लेक्चर्स। तो सी यू टुमारो, सॉरी नॉट टुमारो बट सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन।